चंद्र सिंह पटेल मेहरौनी से समस्त जनपद वासियों को मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अखिलेश साहू। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्टैंप में खड़ा हूँ जागलोन के मेला प्रांगण में, जहाँ करीब 600 साल पुराना स्वयं गणेश मंदिर, ये किसी सरकार के द्वारा कोई मूर्ति कला को नहीं दिया गया है। ये स्वयं गणेश मंदिर है जहाँ स्वयं गणेश प्रकट हुए। तो आइए, यहाँ की प्राचीनता के बारे में यहाँ के मंदिर के जो पुजारी है, हम उनसे बात करते हैं। श्री पंडित जी, आपका नाम? हमारा नाम है मनीष कुमार कुमार है। और इस जो प्राचीन जो देवालय है, इसमें पीढ़ियों से हमारे पूर्वज पूजा करते हुए आ रहे हैं। और ये परंपरा ये ऐसी चलती है, ये दो दिन मेले का आयोजन हर साल किया जाता है। यहाँ दूर दराज से भक्त लोग महाराज गजानन के जो स्वयं प्रकट होते हैं, इच्छा से प्रकट होते हैं, उनके दर्शनों के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो ये यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। संरक्षक है और मेले के आयोजक है, यहाँ के जागीरदार परिवार के जो चिराग हैं महेंद्र सिंह, उनसे हम डिस्कशन यहाँ के कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ये स्वयं प्रकट गणेश जी हैं, उनका विग्रह लगभग 500 वर्ष पुराना है और यह स्वयं प्रकट इन्हें बनाया नहीं गया है। हमारे पूर्वजों को लगभग 500 वर्ष पूर्व यह सपना आया था। इसके बाद पहले छोटी सी मड़िया की स्थापना की गई, धीरे धीरे विशाल मंदिर बनवाया गया जो लगभग 300 वर्ष पुराना है। और इस मंदिर की पूजा सेवा करने के लिए कटारे परिवार को दायित्व सौंपा गया और पीढ़ियों से निरंतर भगवान गणेश भगवान की सेवा कर रहे हैं। हर साल यहाँ 3 दिवसीय विशाल मेला लगता है, जिसमें आसपास के लोग शामिल होते हैं और मेला का आनंद लेते हैं। मंदिर के संरक्षक और मेले के आयोजक पर मंत्री मेला मैं तो लाइव।